जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक नंदी गौशाला है जो गंगा शहर बीकानेर के अंदर, जब आप जोधपुर से आते हो तो गो राष्ट्र यात्रा का ये चरण यहाँ पे आया है आज। और यहाँ पे आया तो यशवेंद्र भाई, जो आज बीकानेर शहर में गौसेवा की भावना जागृत करने वाले एक युवा, वो एक मजबूत व्यक्तित्व है और गायों के लिए समर्पित भाव है। आधी रात को भी कोई फ़ोन कर दे कि गाय बीमार है, और कैसा भी जीव जंतु, कोई भी जीव हो दूसरा, उसको तकलीफ है, तो यशवेंद्र भाई हमेशा वहाँ दौड़ के चले जाते हैं। इसी गौशाला में हम ऑफ द रिकॉर्ड, जब कैमरा नहीं चल रहा, तो बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत को करते हुए यशवेंद्र भाई से एक सार्थक चर्चा पे बातचीत चल रही थी, तो वो बातचीत आप सभी तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो में हम आगे बातचीत करते हैं। यशवेंद्र भाई, जय गोपाल। आप ऐसे व्यक्ति मैं जीवन में बहुत कम, गजेंद्र से मिला था, उसके बाद मैं वापस इनसे मिल रहा हूँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलता हूँ। तो यशवेंद्र भाई, जो नंदी गौशाला है जैसे ये जी, तो नंदी गौशाला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज ये नंदियों को हमने घर से बाहर क्यों निकाला? इस पे आप मतलब अपने विचार दो कि भाई ये आखिर तो नंदी को एक परिवार का सदस्य मान के रखते थे, तो हमने घर से बाहर निकाल दिया। अगर अपन 20-25 साल पहले चले तो अपन का हर घर में, जैसे मान लो दो गाय भी ज्यादा होती थी, गाय जो नंदी होते थे, जो गाय नंदी होते थे, तो नंदियों से क्या होता था, एक तो संवर्धन का काम होता था, और दूसरा जो अपन खेती करने से हल से हल में काम लेते थे, या जो भी अपन बैलगाड़ी उससे काम लेते थे, परंतु आज आधुनिक युग आने के कारण, ट्रैक्टर आने के कारण, नंदियों को क्या कर रहे हैं आजकल, दो चार महीने गायों को दूर लिया, उसके बाद सड़कों पर निकाल देते हैं। अब सड़कों पर निकालते हैं तो नंदियों से क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो नंदियों को भी प्रॉब्लम होती है, जनहानि भी होती है, जनहानि होती है दोनों। आज अब मतलब आप भी इसके आंसू देखो, आप क्या इनकी हालत देखो। गौशाला तो गौशाला होती है, जो घर में जो प्रेम भाव, आप जो घर पे रहते हो या एक हॉस्टल में रहते हो, तो आपकी माँ या घर पे जो प्यार मिलता है, तो देखो यहाँ पर हालत ऐसे ऐसी, उनको खाना पीना है। अगर अपन को एक कमरे में अपन काजू कतली देते हैं और उनको बोल दो कि भाई पानी लेना है, तो अपन वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अपन को वहाँ पर अपना अपना तो भाव नहीं मिलेगा, घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अपन अगर आप जैसे उदाहरण दे रहे हो कि घर पर है, एक हॉस्टल में, तो घर पर अपने तो का भाव मिलेगा, माता से माँ के हाथ से बनाया हुआ खाना मिलेगा। यहाँ पर ठीक है कि बाहर ही घूमेंगे नहीं, बाहर ही भूखे नहीं रहेंगे, परंतु आने वाले टाइम में अपन को इनकी विचारधारा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन नंदियों का संवर्धन नहीं करेंगे तो एक तो अपनी जो भारतीय गोवंश है वो खत्म है, विलुप्त हो रही है नस्ल, और इस पर संवर्धन करना बहुत जरूरी है। जैसे अपन हर लगभग 20-30 साल में अपन को वो विदेशी नस्ल हर घर में जा पहुँचती है, और अपनी खास बात ये है कि विदेशी नस्ल घर में आ रही है और देसी भारतीय गोवंश है वो कहाँ आ रहा है, गौशाला में आ रहा है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जो महत्व है अपने भारतीय गोवंश का है, भारतीय गौवंश का है, क्योंकि उनका दूध दही गोमूत्र सारी चीज़ अपन उन पर हाथ फेरते हैं, और उससे हाथ स्पर्श करने से अपने लाखों हजार बीमारियाँ हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। पर बात करता हूँ, जब नंदी की जब तक जरूरत थी खेती बाड़ी के लिए, तब तो उसको घी खिलाते थे, बिल्कुल उसका ध्यान रखते थे, तो ये दुनिया तो स्वार्थ की हो ही गई है, मतलब आज बिल्कुल सच्चाई और असलियत तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि नंदी को संवर्धन के माध्यम से बचाना और इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट में आप सभी भाई भी सलाह दे कि अच्छे नंदी तैयार हो। और जिस तरह से क्रॉस ब्रीड के नंदी, जैसे आप इन गौशालाओं में भी देखते हैं, जैसे बच्चे ये तैयार हो जाते हैं, तो उनको जैसा भी जीवन उनका यापन हो, तो एक शांति से इनका जीवन चक्र चल पाए, तो वैसी व्यवस्थाएँ भी हो। और जो दूसरी बड़ी है समस्या ये होती है कि गौशालाओं में, जैसे मैं एक नारेली तीर्थ गौशाला है, अच्छा, तो वहाँ पर 4-5 साल पहले हमने, ये तो नागौरी की बहुत सुंदर कम दिखने को मिलती गाय है ना, बिल्कुल बिल्कुल नागौरी ना, बीच में बात नागौरी दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, बिल्कुल नागौरी की प्योर बहुत अच्छी गाय, नागौरी दूध भी 2-3-4 लीटर होता है, परंतु इनके जो बेल आने वाले होते हैं वो काम फुर्तीले होते हैं, सबसे सबसे प्रसिद्ध अपने बेल नागौरी नस्ल के ही हैं। अब जब बात करते हैं जो विषय पे फिर से आते हैं, तो विषय ये है कि भाई किसी गौशाला के अंदर अगर हम लोग संवर्धन के माध्यम से काम करें, नारेली तीर्थ में हमने गिर का काम किया, थारपारकर का किया, राठी साहिवाल का किया, तो भी वहाँ जो दूध 100 लीटर होता था उसका 800 लीटर गौशाला में दूध हो रहा है, मतलब दूध 8 गुना हो गया, 8 गुना दूध हो गया, ठीक है 4-5 साल में। और बछड़िया और जो गिर के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे, थारपारकर के बच्चे आ रहे हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो ये चीज़ें गौशालाओं में हो, क्योंकि आज गाय की बात करते हैं तो अच्छी गाय मतलब 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये हो गई है गौशालाओं से। जब मैं राजस्थान गौसेवा संघ जयपुर की बात करता हूँ, बाकी संस्थाओं की बात करता हूँ, वहाँ से बछड़ियाँ लेने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती है। चांदन फार्म फिर एक संस्था या सरकारी संस्था ही कह सकते हैं, बिल्कुल, बाकी जगह से 2-2 लाख की जैसे लोग गाय भी लेके जाते हैं, तो एक गौशाला भी ऐसे माध्यम से काम करें
एक विचार बने और उसके लिए जो गौशालाएं करना चाहती है तो वो जुड़े हमसे, हम प्रयास करेंगे जो जानकारी है जो नेटवर्क है वो हम उपलब्ध करा सके। तो आप संवर्धन करिए, अच्छी बछड़ियाँ तैयार करिए, और लोग वास्तव में अच्छी गाय आज रखना चाहते हैं, अच्छी गाय के लिए भटकते हैं, आप देखिए ना बिल्कुल कितने कितने किलोमीटर घूमने में अच्छी गाय नहीं मिल पाती है, अच्छी गाय और प्योरिटी नहीं मिलती है अपन को, जैसे मालूम भारतीय गोवंश मिलता नहीं है क्योंकि अब नस्ल क्या है पूरी खत्म हो रही है, और अगर अपने इस पर नहीं रियल में काम नहीं किया तो अपन आने वाला टाइम है जो भारतीय गोवंश जैसे राठी ये सारी विलुप्त हो जाएगी और सारी अमेरिकन और विदेशी नस्ल आ जाएगी, और विदेशी नस्ल अपन के जैसे भारतीय गोवंश की गुणवत्ता है उसमें वैसी गुणवत्ता नहीं है, उसमें अमेरिकन गाय जैसे विदेशी जो भी गोवंश है उनमें बीमारियों का घर है क्योंकि उसकी खुद की इम्यूनिटी पावर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा अमेरिकन और देसी गाय में फर्क क्या है, इतना ही फर्क है कि अगर अमेरिकन गाय नहीं हो तो हमारे कमाई का जरिए कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्यों क्यों अमेरिकन बात पे ध्यान दे, डॉक्टर ने जो ऑफ द रिकॉर्ड बात की उसने भी ये कहा कि अमेरिकन गाय नहीं होगी तो हमारी कमाई भी नहीं होती, कमाई भी नहीं होगी, तो बीमारी का घर, और बीमारी के घर से आप दूध लेते हो तो आप भी बीमारी का घर बनोगे, बीमारी का बिल्कुल बनोगे। तो इससे मतलब अपन को पता चलता है कि अपन भारतीय गोवंश की तरफ लौटना पड़ेगा, और अगर अपन जैसे मान लो शौक से कुत्ते रखते हैं घोड़े रखते हैं तो शौक से आप नंदी भी रख सकते हो भाई। अपन जैसे 20-25 साल पहले, अगर अपन 40 साल पहले बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं घर वाले, जिस घर में जितनी गाय ज्यादा होगी वो क्या होगा ज्यादा घर अमीर होगा, हम मांगे लड़की भी घर में दिया हुआ। तो अब वो खत्म हो गया है, अब तो ऐसा आ गया कि टाइम में जो अगर घर में अपन गाय है तो वहां पर देते नहीं है, और अपन को उस तरफ वापस लौटना पड़ेगा, घर पर अपन को नंदी रखना पड़ेगा और अच्छी भारतीय गोवंश का संवर्धन करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी को ये जो गोमाता का महत्व है उसको समझा जा सके, बीमारी को क्या है कम किया जा सके। जैसे अपन देखते हैं आज के टाइम में कोरोना महामारी जैसे, अब लोगों को पता चला है कि हाँ अपनी भारतीय गोवंश में वो गुणवत्ता है, और अपन इसकी तरफ बहुत लोग आगे बढ़े। अब जब बात करते हैं बीकानेर की, बिल्कुल बीकानेर मिठाई का सबसे बड़ा गढ़, रसगुल्ला जो आप खाते हैं वो बीकानेर से आता है, बीकानेर पर जब देखता हूँ तो कभी दूध की कमी यहाँ होती नहीं, तो दूध पता नहीं कैसे एडल्ट्रेशन से या क्या चीजों से बनता है, जब जिस गांव में इतना दूध नहीं होता वहां से भी कैंपर लेकर लेकर निकलता है, रियल बात है, भर भर के दूध आ जाता है। 4 साल पहले की बात है, दूध का भाव था 2700 रुपए लीटर, परंतु उस समय खल थी 1200-1300 रुपए। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, 1200-1300 रुपए थी, परंतु अब 3 साल बाद लगभग अपन के खल तो हो गई 3600-3700, खल तो हो गई 3600-3700 मतलब तिगुणा तो दूध है 30 रुपए किलो। प्लस खास बात यह है कि अपन राजस्थान में पूरे बीकानेर से सबसे ज्यादा रसगुल्ला जाता है, वो कोई आसपास पूरे राजस्थान में कहीं पर भी इवेंट का काम हो तो दूध पनीर दही घी सारा यहाँ से मावा सब मतलब यहाँ से जाता है। तो अपन को ये सोचने की बात है कि दूध के भाव अभी भी 30 रुपए क्यों है, मतलब क्यों है, क्योंकि ये रासायनिक केमिकल से बना दूध आता है, उस कारण से अपन दूध को मतलब गोपालकों को देसी गोवा सकते हैं उनको दूध का भाव मिलता नहीं है, और इस कारण से अपन पूरे राजस्थान में ये मिठाई क्या हो रहा है पूरा सबसे ज्यादा अपन बीकानेर में मिलती है, और आज भी ये मेन मुद्दा है कि अपन दूध के भाव क्यों नहीं मिल रहे हैं। बीकानेर की जो हालात आप गौशाला में भी, जैसे गौशाला वाले तो क्या करें कि जैसे बच्चे तैयार होते हैं संस्था के पास में आते हैं तो जीव होता है तो जीव को छोड़ नहीं पाते, सही आप ये बच्चे कुछ दे सकते हैं, क्रॉस ब्रीड के बच्चे भी आ गए, बिल्कुल बीकानेर में जिस तरह से पंजाब से उस तरफ से जुड़ाव रहा तो जैसे जैसे एचएफ जर्सी और क्रॉस ब्रीड आई तो धीरे धीरे आप देखते हो ना कैंसर की बीमारी आसपास भी खूब आने लगे। अभी इस बच्चे की क्या गलती है, जब वो डॉक्टर ने देसी गाय में जब सीमन लगाया या मानो दूध बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था है हमने बढ़ाई है उसके कारण नुकसान ये भुगतते हैं, ये भुगतते हैं, ये तो हमारा हिंदुस्तान है तो अहिंसा मार्ग ही हम है, बिल्कुल, और हम लोग मतलब जिस तरह से जहाँ जा रहे हैं पता नहीं कहाँ क्या दोस्तों समझ से परे है, कुछ भगवान करे कि मतलब कोई ऐसी रास्ता दिखे, कई बार लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। बिल्कुल भाई।